आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं डेडलॉक कॉन्सेप्ट का ही नया प्रोसीजर डेडलॉक प्रिवेंशन। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था डेडलॉक एक्जेक्टली होता क्या है, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के फेलियर में डेडलॉक कैसे अपना रोल फैक्टराइज करता है, कैसे अपना रोल अदा करता है। देन इसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसी डेडलॉक का नया कॉन्सेप्ट डेडलॉक प्रिवेंशन। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत अपने मशीन को डेडलॉक से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, डेडलॉक से कैसे बचा सकते हो, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन के कौन कौन से टेक्निक है। फर्स्ट है नो प्रिम्पशन। इफ ए प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेस रिक्वायर रिक्वेस्टेड अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, देन ऑल रिसोर्सेस करेंटली बीइंग हील्ड आर रिलीज। सिंपल सी बात है, नो प्रिम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को होल्ड करके दूसरे प्रोसेस के लिए वेट करती है तो आप उस केस में फोर्सली उस प्रोसेस से उस रिसोर्स को गैदर नहीं कर सकते हो, बट डेडलॉक प्रिवेंट करने के लिए आप प्रिमिटेड करोगे रिसोर्स को, फोर्सली करोगे रिसोर्स को फोर्सली रिट्रीव करोगे और उसी रिसोर्स को दूसरे पर्टिकुलर प्रोसेस को अलॉट करोगे। डेडलॉक से बचने के लिए यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा, सर्कुलर वेट से बचने के लिए रेंडमली कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस काफी लंबे समय तक किसी एक रिसोर्स को होल्ड करके रखने की कंडीशन नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गाइस, इस पे आगे देखते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, इसके बाद आगे आइए डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक को अवॉइड करने का तरीका, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल कौन कौन सी। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मॉडल रिक्वायर दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप दैट इज मेन नीडेड, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड है डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम का, डायनामिकली एग्जामिन्स द रिसोर्सेस लोकेशन स्टेट टू इंश्योर दैट देयर कैन बी नेवर ए सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर वेट कंडीशन को अवॉइड करना है, छोड़ना है, बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होने देना। थर्ड है रिसोर्स एलोकेशन की स्टेट को प्रॉपरली डिफाइन करना है, प्रॉपरली एलोकेट करना है और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको डेडलॉक को अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी। स्टाफ स्टेट, सेफ स्टेट सबसे पहला नंबर देखते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस सेफ स्टेट में कब कहलाएगी। देन प्रोसेस का रिसोर्स, जब किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोसेस को सेफ स्टेट तभी बोल सकते हैं जब वो प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को होल्ड करके नहीं रखेगी और जैसे ही उसको किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको रिसोर्स तुरंत मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, सेफ स्टेट। इसी पर्टिकुलर सेफ स्टेट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है मल्टीपल कॉन्सेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक फैक्ट्स। इफ ए सिस्टम इज इन सेफ स्टेट नो डेडलॉक का केस आएगा, इफ ए सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेडलॉक डेडलॉक के चांस बनेंगे। देन अवॉइडेंस के केस में इंश्योर दैट ए सिस्टम विल नेवर इंटर अनसेफ स्टेट। इस केस में आप ये असाइन करोगे, ये सिक्योर करोगे कि आपका सिस्टम कभी भी अनसेफ स्टेट में ना हो। देन सेफ अनसेफ और डेडलॉक स्टेट को डिफाइन करने का ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट आते हैं अवॉइडेंस की एल्गोरिथम। किसी भी डेडलॉक को अवॉइड करने की ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम है। फर्स्ट, सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप, यूज ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप में हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं स्कीम्स को, यहाँ पे आप स्कीम्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को किसी एक प्रोसेस को कैसे एलोकेट किया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसी पर्टिकुलर ग्राफ को यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम्स, अब एल्गोरिथम्स को आप कैसे यूज करोगे। प्रोसेस पी और रिक्वेस्ट आर, रिसोर्स आर के बीच का जो ग्राफ है उसी को एल्गोरिथम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट बैंकर्स एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम को यहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए सेफ्टी एल्गोरिथम्स हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम्स को भी आप प्रॉपरली यहां से एज इट इज नोट कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस P1 के केस में आप अवेलेबल रिसोर्सेस को
और प्रोसेस के स्टेट को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेंकर एल्गोरिथम का एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप यहां से देख सकते हैं। इवन रिक्वेस्ट के केस में क्या अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेस की, ये आप असाइन कर सकते हैं। देन डेडलॉक के डिटेक्शन, डेडलॉक को आप डिटेक्ट कैसे करोगे, डेडलॉक को आप कैसे डिटेक्ट करोगे, पता कैसे करोगे। फर्स्ट है अलाउ सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट, सबसे पहले आप सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में आने दोगे, फिर डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूज करोगे, देन इसके बाद रिकवरी स्कीम्स को फॉलो करोगे। टाइप्स, दैट मींस इस पर्टिकुलर केस में आप डेडलॉक को कैसे आने दोगे, उन्हीं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। ग्राफ के थ्रू, देन रिसोर्स एलोकेशन का और करस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन और ग्राफ्स का करस्पॉन्डिंग वेट डायग्राम। यहाँ पे रिसोर्सेस के टाइप्स है अवेलेबल, एलोकेशन और रिक्वेस्ट, दैट मींस कौन सा रिसोर्स आपके पास है वो अवेलेबल एलोकेट है, दैट मींस किस प्रोसेस को आप एलोकेट करके रखे हो एलोकेशन, देन रिक्वेस्ट किस पर्टिकुलर रिसोर्स की आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और रिक्वेस्ट मिले। नेक्स्ट है डिटेक्शन एल्गोरिथम, किसी भी पर्टिकुलर केस में डेडलॉक को डिटेक्ट करने के कौन से एल्गोरिथम है, कौन से कॉन्सेप्ट है, आप डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम के थ्रू इसमें से समझ सकते हैं। ये डिटेक्शन एल्गोरिथम का बेसिक डायग्राम है, इसको आप यहाँ से वर्क और एलोकेशन मिलते आपका वर्क बनेगा। एल्गोरिथम्स को कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला है, देन डिटेक्शन एल्गोरिथम के यूजर्स हैं, डिटेक्शन एल्गोरिथम का आप क्या यूज कर सकते हैं, देन आफ्टर दिस टर्मिनेशन आप डेडलॉक को कैसे टर्मिनेट कर सकते हो, अवॉइड ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, अवॉइड वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड, इन विच ऑर्डर शुड बी चूज टू अवॉइड, अवॉइड कैसे करना चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की प्रायोरिटी के आधार पे, हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, दैट मींस प्रोसेस को कंप्यूट होने में कितना टाइम लगेगा और उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को कैसे यूज किया जाता है, प्रोसेस कौन से रिसोर्सेस को यूज कर रही है उसके आधार पर टर्मिनेट कर सकते हो, कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स को नीड कर रही है, किस रिसोर्स की आवश्यकता महसूस कर रही है कंप्लीट होने के लिए उसके आधार पे, देन हाउ मैनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कितनी प्रोसेस टर्मिनेट होने के लिए रिक्वायर्ड है उसके आधार पे, ईच प्रोसेस इंटरैक्टिव आर बैच, कोई भी प्रोसेस इंटरैक्टिव करती है बैच के आधार पे, देन उसके आधार पे भी आप प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले रिकवरी के लिए सेलेक्शन ए विक्टिम, विक्टिम को सेलेक्ट करो, रोल बैक करो, स्टार्वेशन करो, दैट मींस डाटा को रोल बैक करना है, वापस लाना। तो गाइस ओवरऑल ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने डेडलॉक के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, डेडलॉक के पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी किया, देन इसके बाद डेडलॉक के बाद अब हम अपने प्रीवियस और अगले कॉन्सेप्ट के लिए अगले वीडियो पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।